लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मंदसौर जिले के शामगढ़ तहसील के चंदवासा गांव में गायत्री नामक महिला की शादी हुई थी। परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि पहले भी दोनों मियां बीवी में विवाद हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने और इनके आग्रह करने पर हमारी बच्ची को वापस चंदवासा उसके ससुराल भेज दिया था। गायत्री के परिजन दोवड़ा गांव राजस्थान के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि इनकी बच्ची गायत्री का पति मृतक महिला के परिजनों से दहेज के रूप में पैसों की मांग करता था। इस कारण दोनों में विवाद होते रहते थे। इसी से त्रस्त होकर गायत्री ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शामगढ़ पुलिस उक्त घटना की जांच में जुट गई है। पीएम करने के लिए बाहर से जांच टीम बुलाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। कल हमें सूचना मिली थी कि गरड़ा रोड पे जो है इंग्लिश स्कूल के पास एक महिला ने फांसी लगा ली। इस सूचना पर चौकी प्रभारी इंदु यूने को मैंने मौके पर भेजा था। चौकी प्रभारी इंदु यूने मौके पर गई थी। उन्होंने देखा कि वहाँ पर गायत्री वाइफ ऑफ श्यामलाल व्यास उम्र 22 साल निवासी गरड़ा और चंदवासा ने फांसी लगा ली थी। उसकी डेड बॉडी को जो है कल लेकर और यहाँ मर्चुरी रूम शामगढ़ में रखवाया गया था और यहाँ से जो है आज सुबह उसका कार्यपालक मजिस्ट्रेट श्री आर एल मुनिया की उपस्थिति में नक्शा पंचायत नंबर लाश का तैयार करवाया गया। FSL अधिकारी द्वारा भी शव का निरीक्षण किया गया और डॉक्टर के जो दोनों डॉक्टर के पैनल द्वारा उसमें पोस्टमार्टम करवाया गया है। प्रथम दृष्टिया जो ये पाया जाता है कि मृतिका गायत्री वाइफ ऑफ श्यामलाल व्यास उम्र 22 साल निवासी गरड़ा रोड चंदवासा जो कि मूलतः उसका मायका दोबड़ा थाना डक्का है। उसका विवाह 20 अप्रैल 2018 को श्यामलाल पति श्यामलाल सन ऑफ राम प्रसाद व्यास 25 साल निवासी चंदवासा के साथ हुआ था। प्रथम दृष्टिया ये पाया जाता है कि मृतिका की मौत फांसी पर लटकने से हुई है। अब उसने फांसी क्यों लगाई है इन कारणों की जांच के लिए चूँकि ये नवविवाहिता का मामला है अग्रिम जांच जो है SDOP सीतामो श्री OP शर्मा साहब इसकी जांच करेंगे। और अभी मृतक जो मृतिका के परिवार हैं वो उसके अंतिम क्रियाक्रम वास्ते लाश को उनके गांव दोबड़ा ले गए हैं और शोक संतप्त थे। तो कल इनके कथन SDOP साहब लेंगे और अग्रिम विवेचना इसकी की जाएगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।